नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको चेस्ट और ब्रेस्ट के साइज को कम करने के लिए लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनके चेस्ट और ब्रेस्ट का साइज जब बहुत अधिक बढ़ जाता है और थुलथुला सा हो जाता है तो उसको आप किन योगाभ्यासों को 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे आप करने से आपकी ऑलराउंड फिटनेस होती है और शरीर का साइज ठीक होता है। आइए देखते हैं कि इन योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों चेस्ट और ब्रेस्ट के साइज को कम करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे हस्त उत्तानासन। इसे करने के लिए ऐसे हम सीधे खड़े हो जाएंगे और आप अपने पैरों में अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट रख लेते हैं। इसके बाद आपने दोनों हाथों को ऐसे आगे दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर बिल्कुल सीधे ऐसे रख लेना है। ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है। इस एक्सरसाइज को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेना है और श्वास भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ अपने शरीर को बेंड करना है जितना आप अपने शरीर को बेंड कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को आते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ जाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को आइए। ऐसे हस्त उत्तानासन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। अपने शरीर अपने हाथों को जितना खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए और अपने शरीर को पीछे की तरफ ऐसे बेंड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे को आएंगे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे स्लोली स्लोली कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से करेंगे। जो लोग बहुत अधिक फैटी होते हैं उनका शरीर थुलथुला सा होता है, चेस्ट और ब्रेस्ट का साइज ज्यादा होता है, उसे दूर करने के लिए यह योग एक्सरसाइज बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पृष्ठासन। इसे करने के लिए हम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं और इसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों को आप ऐसे अपने कमर के पास रख लेते हैं और अपने कंधों को ऐसे पीछे की तरफ करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कीजिए। जितना आप पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होने की कोशिश कीजिए और अपने कंधों को ऐसे पीछे की तरफ खींचिए और धीरे धीरे अपने हथेलियों को ऐसे अपने घुटने के पीछे से लाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकेंड इसी स्थिति में रहिए। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पृष्ठासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आप अपने 10 से 15 मिनट एवरीडे निकालिए और इन योगाभ्यासों को मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारी सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और हमारे कंधे हमारी बाजू की मजबूती के साथ साथ हमारे चेस्ट और ब्रेस्ट की साइज को कम करने के लिए यह योगाभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली होते हैं।